भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पर इन दिनों पवन सिंह के फैंस और तो और भोजपुरिया जगत के काफी लोग खफा है। भाई हम पूछना चाहते हैं क्यों, किस लिए? इसलिए कि वो बिग बॉस के शो में जा रहे हैं। इससे पहले बिग बॉस शो में कई भोजपुरी स्टार्स जा चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। हाँ, बात यहाँ इस बात की उठ रही है कि भोजपुरी सुपरस्टार को अंडर एस्टिमेट बोलने नहीं आया। आपको ये बता दें कि खेसारी लाल यादव की इंग्लिश कभी भी दुरुस्त नहीं थी। खेसारी लाल यादव एक गांव में पले बड़े इंसान है। खेसारी लाल यादव गांव और जमीन से जुड़े हुए इंसान है, ये तो सभी जानते हैं। उनके इंग्लिश की बात कर लेते हैं। आपने कई वीडियोस ऐसे देखे होंगे जहां खेसारी लाल यादव आई लव यू को आई लव यू बोलते नजर आए हैं और उसे काजल राघवानी कितनी बार दुरुस्त करती हुई भी नजर आई हैं। तब तो किसी को शर्मिंदगी नहीं हुई कि भोजपुरी सुपरस्टार को अंडर एस्टिमेट बोलने नहीं आ रहा है। और आज जब खेसारी लाल यादव बिग बॉस जैसे मंच पर जा रहे हैं और वहां सलमान खान के साथ खड़े होकर भोजपुरिया की शान बढ़ा रहे हैं और एक शब्द बोलने नहीं आया अंडर एस्टिमेट, ये तो दुनिया जानती है कि खेसारी लाल यादव का बचपन कैसे बीता है। अगर जो नहीं जानते वो गूगल कर ले, उन्हें आसानी से पता चल जाएगा कि खेसारी लाल यादव कितने जमीन से जुड़े इंसान है। और अब अगर खेसारी लाल यादव पर छीटा कसी उठ रही है तो भाई किस बात की छीटा कसी? अगर इंसान एक शब्द नहीं बोल पा रहा है तो उसकी छीटा कसी? या फिर आप ये बता रहे हैं कि भोजपुरिया जितने भी सुपरस्टार हुए हैं वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं? भाई बता दीजिए कौन बोलता है, पवन सिंह बोलते हैं, निरहुआ बोलते हैं या फिर बोलते हैं मनोज तिवारी? हाँ, रवि किशन की यहाँ बात नहीं हो रही है कि हाँ भोजपुरिया के इकलौते वही स्टार हैं जो अंग्रेजी बहुत बखूबी बोलते हैं, जानते हैं। लेकिन रही बात खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, निरहुआ और पवन सिंह की, तो आपको ये बता दे, हाँ इसमें एक नाम और हम भूल रहे हैं, मनोज तिवारी की भी। आपको ये बता दे कि ये लोग अपने हिंदी भाषा भोजपुरी भाषा के लिए ही जाने जाते हैं। अब ऐसे में अगर कोई खेसारी लाल यादव पर उंगली उठा रहा है कि बिग बॉस के मंच पर जाकर वो अंडर एस्टिमेट नहीं बोल पाए तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भाई खेसारी लाल यादव अपनी भाषा तो बोल रहे हैं, अपनी भाषा से प्रेम तो कर रहे हैं। रही बात पराई भाषा की जो कि हमारी है ही नहीं, अगर वो नहीं भी बोल रहे हैं तो इसमें क्या हुआ, क्या लोग समझ नहीं पा रहे हैं? रही बात बिग बॉस के घर में जाने की, तो खेसारी लाल यादव जल्दी ही जाएंगे। खेसारी लाल यादव कितनी गरीबों की मदद करते हैं आप लोग कभी ये भी देख लिया कीजिए। हम यहाँ खेसारी के लिए बड़ाई नहीं कर रहे हैं। जब खेसारी लाल यादव कुछ विवादित बोलते हैं तो हम ही ऐसे होते हैं जो इस पर आवाज भी उठाते हैं। लेकिन आज खेसारी लाल यादव अगर बिग बॉस के घर में जा रहे हैं, भोजपुरिया जगत के एक बड़े सुपरस्टार हैं, तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। ये कहना चाहिए कि खेसारी लाल यादव अपनी भाषा तो अच्छी खासी बोल रहे हैं जिस भाषा के वो हैं। सो वी सपोर्ट खेसारी लाल यादव। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।